हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद आकाश पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में रूल नंबर फर्स्ट को समझ चुके हैं, आईपीएससी नॉमिनक्लेचर करने का रूल नंबर फर्स्ट समझ चुके हैं पूरा अच्छी तरीके से, क्वेश्चंस के साथ हम लोग क्लियर कर चुके हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल नंबर टू। तो आइए जानते हैं कि आईपीएससी नॉमिनक्लेचर करने के लिए हमें रूल नंबर टू कौन सा करना चाहिए। ये सब मेरा बनाया हुआ पॉइंट है दोस्तों, इसमें आपको बहुत ही ज्यादा इजीनेस मिलेंगी, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। बाकी आईपीएससी के कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए आप, मेडिकल, आईआईटी, जेईई मेंस के कोई भी क्वेश्चंस कर लीजिए, मैं आपको लो से उठा के हाई तक के क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो रूल नंबर टू हमसे क्या कहता है, आइए देखिए, आपके सामने नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। If two chain of equal carbon are formed, the if two chain of equal carbon are formed, then chain having maximum substituent is taken as principal chain. Wow, what a line! Maximum substituent is then taken as principal chain. मतलब समझा आपने? मैं आपको समझाता हूँ यार, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। No worry, don't worry, because स्टडी विद आकाश चैनल इज हियर ऑन द यूट्यूब। ओके दोस्तों, तो ये देखिए, जैसे कि आपके सामने ये एग्जाम्पल है ना, सबसे पहले मैं आपको हिंदी में इसको कन्वर्ट करके बता देता हूं ये कहना क्या चाहता है आपसे। ये हमसे ये कहना चाहता है कि अगर दो चेन इक्वल कार्बन की है तो उस चेन को, मतलब अगर हम लोग चेन छांटते हैं प्रिंसिपल चेन, हमें दो चेन मिलती है प्रिंसिपल चेन, लेकिन उन दोनों चेन में हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उन दोनों चेन में हम ये सिलेक्ट करेंगे जिस चेन के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आएंगे उस चेन को हम प्रीफर करेंगे, उस चेन को हम सिलेक्ट करेंगे फॉर द आईपीएससी नॉमिनक्लेचर, ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए आपके सामने एग्जांपल है ना, मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूं, इसको आपको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं, जूम करके दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ये देखिए आपके सामने ये नजर आ रहा है ना, ये आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन हमें, वाओ 1 2 3 नो 1 2 3 4 5 6 वाओ 1 2 3 4 5 6 वाओ, तो मतलब 6 6 और ये 6, तो 6 कार्बन की हमें मैक्सिमम नंबर की चेन मिली कार्बन की। तो आइए एक बार फिर से काउंट करते हैं किसी दूसरी जगह से, प्राइमरी कार्बन से हमें छांटना है। ये सब मैं आपको सब टोटल बता चुका हूं, ठीक है, तो बस हम रूल नंबर टू को समझने वाले हैं और ये हमने समझ लिया। ये देखिए 1 2 3 4 5 नो 1 2 3 नो यार 1 2 3 4 5 6 वाओ 1 2 3 4 5 6 वाओ, मतलब अगर दोनों जगह से हम काउंट करते हैं तो हमें 6 ही कार्बन की चेन मिली, इधर से भी 6 की, तो हमें कौन सी चेन छांटनी है, जिस कार्बन में हमसे रूल क्या बोला है, जिस प्रिंसिपल चेन में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे वही चेन हम प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 मिली, वन सब्स्टिट्यूएंट, थ्री नंबर पे एथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट, टू नंबर पे मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट, मतलब दो मिथाइल मिल गए, एक इथाइल मिल गया, वाओ। एक और चेन ले लेते हैं यार आपके कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 तो अभी हमें एक ही मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, एक मिथाइल ग्रुप दो एक इथाइल ग्रुप, एक इथाइल दो मिथाइल तो भी मिल रहा है, इधर से जाएंगे तो भी एक इथाइल सॉरी एक मिथाइल एक मिथाइल एक इथाइल मिल रहा है, वही बात पड़ रही है, तो यही चेन ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टू पे हमें मिला मिथाइल, फाइव पे हमें मिला मिथाइल और थ्री पे हमें क्या मिला, इथाइल ग्रुप एथिल ग्रुप। तो देखिए इसमें अल्फाबेट का आर्डर देखा जाता है, ई है बड़ा, मतलब ई पहले आता है कि एम पहले आता है, तो जवाब आपका आया ई पहले आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पोजिशन थ्री पे इथाइल, टू और फाइव पे डाई मिथाइल, और ये सिक्स कार्बन है तो जाहिर सी बात है यार मैं एल्क की वीडियो बना चुका हूं, तो सिक्स कार्बन के लिए हम लोग क्या एल्क लिखते हैं, हेक्स। और एन क्यों लिखा, क्योंकि ये एन है, एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, तो जाहिर सी बात है इसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ये देखिए क्या है, थ्री इथाइल टू फाइव डाई मिथाइल हेक्सेन। ये हो गया आपको रूल नंबर टू, मैंने आपको अंडरस्टैंड करा दिया, समझा दिया अच्छे से। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइए और चैनल को सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एक एग्जांपल के साथ और हम लोग इसको और क्लियर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।